हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हम देखो पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला, पोटेंशियल हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, पोटेंशियल हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकाल लिया है, और आज हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल निकालना है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखो हमें पोटेंशियल निकालने होते हैं अलग अलग तरीके से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला, हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला, हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकाला, और अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो डाइपोल का मतलब क्या है, दो पोल्स है, और यहां हमने जो 12th में स्टार्ट किया है वो चार्ज से स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है कि जो दो पोल्स हैं वहां पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है। तो हमें क्या करना है कि यही जो इक्विपमेंट होगा या यही जो सिस्टम होगा जिसमें एक सिरे पर या एक एंड पर प्लस क्यू, दूसरे एंड पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और उनके बीच में एक पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस है, मान लो डी डिस्टेंस है, तो ये जो इक्विपमेंट है वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो यहां पर हमने इसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, क्यू डॉट डी होता है। क्यू का मतलब क्या है कि यहां जो डाइपोल में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज हम लेते हैं, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां आ जाएगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हम यहां पर लिखते हैं वही डिस्टेंस ये है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहां हम देखो ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, सारी चीजें अब हमारे इन्हीं डेरिवेशंस में काम आ रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें एक पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ये एक चीज हम डेरिवेशन इसी तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा था कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आई थी। देखो स्टूडेंट्स, अगर एक्सियल लाइन की हम बात करें तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2 kp/r³, और अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है kp/r³। यानी ये जो है वो तो क्या होगी, 2 kp/r³, एंड ये क्या है, kp/r³। देखो स्टूडेंट्स, यहां भी हमने डाइपोल की बात की थी इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसमें मेंशन हुआ है, और यहां भी हम किसकी बात कर रहे हैं, उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उसके भी फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वहां भी डाइपोल मोमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। तो आज हम ये टॉपिक ले लेते हैं। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दो डेरिवेशन के थ्रू हमने अलग अलग बात की थी कि डाइपोल हम लेकर पहले हम उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, देन हम उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। वहां हमने दो डेरिवेशन किए थे, लेकिन यहां स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक ही डेरिवेशन करने वाले हैं, और इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। वहां आएगा कोस थीटा। अब कोस थीटा इक्वल्स टू, अगर हम क्या मान ले, थीटा इक्वल्स टू 0 मान ले, तब तो वो फॉर्मूला बन जाएगा एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देन कोस थीटा में थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री पुट करेंगे, देन वो हमारे पास इक्विटोरियल लाइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां हमें
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आए, डाइपोल के कारण निकालनी हो तो दो डेरिवेशन हमें करने पड़ेंगे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन के लिए। लेकिन अगर पोटेंशियल हमें निकालना हो तो डेरिवेशन एक ही होगा, लेकिन उसके जो लास्ट हमारे पास जो डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला हमें मिलेगा, उस फॉर्मूले में थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करके, थीटा इक्वल्स टू हम 90 डिग्री पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अलग अलग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें हमें एक ही डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो सीधे चलते हैं हम डेरिवेशन पर, कैसे करते हैं देखिए। देखो सबसे पहले हम लेते हैं एक डाइपोल, ये हमने एक डाइपोल ले लिया है। यहां पर हमने क्या किया है, ये डाइपोल क्या है, ए बी डाइपोल है। इस ए पॉइंट पर हमने माइनस क्यू चार्ज एंड इस बी पॉइंट पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है। इसके बाद क्या देखते हैं कि इस डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो हम डी इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, टू ए ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो इस टू ए को अपन को हाफ करना है, तो ये क्या हो जाएगी, ए ए अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम डी लेते हैं तब क्या हो जाएगी, डी बाई टू, एंड दूसरी की क्या हो जाएगी, डी बाई टू। तो हमें क्या करना है, हाफ करना है और हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है। उससे मतलब नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, डी इक्वल्स टू टू ए ले रहे हैं। ये डाइपोल डिस्टेंस है, हमने क्या रखी है इसकी, टू ए लिखी है। तो यहाँ कंप्लीट जो डाइपोल डिस्टेंस है वो हम लिख लेते हैं टू ए। अब इसका मिड पॉइंट हम ले रहे हैं ओ, ए बी हमारा डाइपोल है, ओ हम मिड पॉइंट ले रहे हैं, देन इसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी ए ओ के लिए और ए हो जाएगी ओ बी के लिए। तो इतना हमने देख लिया है यहाँ पर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम क्या लेते हैं, एक पी पॉइंट लेते हैं जिस पर हमें कंप्लीट डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो वो पी पॉइंट हम कहाँ लेंगे, अगर हमें एक्सियल लाइन की बात करनी थी तब तो हम पी पॉइंट कहाँ लेते, एक्सियल लाइन पर लेते। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ना तो हम एक्सियल लाइन ले रहे हैं ना हम इक्वेटोरियल लाइन ले रहे हैं। हमने क्या लिया है कि ये जो डाइपोल है वो हमने एक्स वाई सरफेस पे लिया है। ये क्या है, हमारे पास एक्स वाई सरफेस है और यहां तक का हमारा क्या है, ये डाइपोल है। तो एक्स वाई सरफेस पे या फिर एक्स वाई प्लेन पे हमने क्या लिया है, ये डाइपोल लिया है। ना तो हम इस लाइन पर एक्सियल लाइन पर पी पॉइंट लेंगे ना ही हम इक्वेटोरियल लाइन पर पी पॉइंट लेंगे। हमने पी पॉइंट एक यहां देख लिया है, मान लो हमने पी पॉइंट यहां ले लिया, इस प्लेन में ले लिया, क्योंकि देखो पर्टिकुलर हम ना तो एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना ही हम इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो हमें इन दोनों ही लाइन पर अभी क्या नहीं लेना है, पी पॉइंट नहीं लेना है जहां पर हमें कंप्लीट डाइपोल के कारण पोटेंशियल डिराइव करना है। तो पी पॉइंट हमने कहाँ ले लिया है, इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हमने यहां, मान लो यहां ले लिया है। तो अब क्या करना है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो यहां पर इस तरह से होगा माइनस क्यू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास इस तरह से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने क्या किया है, एक्स वाई प्लेन में ना तो एक्सियल लाइन पर ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर पी पॉइंट लेके यहां एक पी पॉइंट ले लिया है दोनों के बीच में, क्योंकि हमें क्या करना है, कंबाइंड डेरिवेशन ये निकालना है दोनों के लिए। तो अब क्या करना है, देखो हमने कंप्लीट डाइपोल की डिस्टेंस 2a रखी है और इसकी हाफ हाफ डिस्टेंस क्या हो गई, a हो गई। देन ये o पॉइंट मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से p की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स वो हमने पहले भी डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, क्या होती है डिस्टेंस, r डिस्टेंस होती है। op डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, r डिस्टेंस हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, देखो ये डायग्राम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके आगे जो स्टेप आएंगी उसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम में हम चेंजेस करते जाएंगे। यहां तक डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें क्या करना है, वी
पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर, क्योंकि हमें कंप्लीट डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे वी वन, देन हम माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पर पोटेंशियल निकालेंगे वी टू, दोनों को सम कर देंगे। देन हम क्या ले लेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो कंप्लीट डाइपोल के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। अब ये जो आर है वो ये आर नहीं है, ये आर किसको बताता है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ है, यहाँ है। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण हम पी पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो इस आर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो आर है वो ओपी डिस्टेंस वाला आर नहीं है। ध्यान से देखना क्या है, क्योंकि हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वी वन से। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर है, बी पॉइंट पर है, और हम पोटेंशियल कहाँ निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो ये जो बीपी डिस्टेंस होगी वही क्या है, ये आर है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन बी पी लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली है। सेकेंड हम क्या देखते हैं, माइनस क्यू चार्ज के कारण हम वी टू निकालेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जब हम वी टू निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्ज कैसा है, माइनस में है, तो यहां लिख लेंगे हम माइनस देन आर। ये जो आर होगी वो क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स माइनस क्यू चार्ज है हमारा ए पॉइंट पर, हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं पी पॉइंट पर, तो ये एपी जो डिस्टेंस होगी वही ये आर होगी। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है। अब देखो स्टूडेंट्स हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, क्योंकि हमें इन दोनों पोटेंशियल को क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। हमें बीपी डिस्टेंस नहीं मालूम है, हमें एपी डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे डिराइव करते हैं वो देखते हैं। देखो हमारे पास बीपी डिस्टेंस है हमें नहीं मालूम है कितनी है, एपी डिस्टेंस है हमें नहीं मालूम है कितनी है, क्या लिखें, लेकिन हमें ओपी डिस्टेंस मालूम है, ये क्या है, स्मॉल आर है। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बी से ये जो ओपी डिस्टेंस है इस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से एपी जो लाइन है हमारी इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस मिल जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या बच गया हमारे पास, हाइपोटेनियस। सेम यहां पर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। और यहाँ दोनों में ये जो एंगल बन रहे हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब क्या करना है, हमें बीपी और एपी डिस्टेंस चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीपी और एपी डिस्टेंस चाहिए। अब बात आती है कि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किए हैं। देखो अगर बी से इस लाइन पर मैं क्या करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये बीपी डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, ये इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। मान लो हमने यहां पर एम और यहां पर एन लिख लिया है, ये कौन सा परपेंडिकुलर है, बी एन परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो हमें क्या मिलता है कि ये जो बीपी डिस्टेंस है वो इस एनपी डिस्टेंस के क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बीपी जो डिस्टेंस है वो एनपी डिस्टेंस के इक्वल हो गई है, क्योंकि हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये डिस्टेंस तो हो गई इक्वल, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस थी वो यहां से निकल गई है। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि ओ से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, तो ये जो डिस्टेंस है ओ पी ये किसके इक्वल हो गई है, एम पी के इक्वल हो गई है। अब देखो स्टूडेंट्स करते कैसे हैं, कैसे हम बी पी डिस्टेंस जो है वो इसके इक्वल करके इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो बी पी डिस्टेंस हमारी हो गई है एन पी के इक्वल, तो एन पी निकाल लें अब यहां से,
अब एन पे देखो कैसे निकलेगी, ये कंप्लीट अपने पास क्या है, ओपी है। ये क्या है, ओपी है। हमने बीच में ये वाली जो लाइन है यहाँ पे एन लिख रखा है, ये क्या है, एन है। तो जब हमें एनपी डिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट ओपी में से माइनस कर देंगे ओ एन, तो हमें मिल जाएगी एनपी। तो हम क्या कर रहे हैं, एनपी किसके इक्वल होगा, ओपी माइनस ओ एन के इक्वल होगा। ये ओपी डिस्टेंस है, ओपी में से जब हमने माइनस कर दी ओ एन डिस्टेंस तो हमारे पास एनपी मिल गई, और एनपी जो डिस्टेंस है वही क्या है, बीपी डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम बीपी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, बीपी इक्वल्स टू ओपी माइनस ओ एन है हमारे पास। अब ओपी डिस्टेंस, क्योंकि हमें मालूम है कि ओपी डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है, तो इसको तो हम लिख लेंगे आर माइनस। अब देखो बात आती है ओ एन की, तो अब देखो ओ एन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ओ एन जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है और हमें पता है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। हमें इसका क्या निकालना है, ये ओ एन निकालना है, और ये ओ एन क्या है, बेस है। तो अब देखो ये बेस तो हमें निकालना है, और दूसरी चीज हमें मालूम क्या है, हाइपोटेनियस हमें मालूम है, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता कि कितना है। तो इसको हम हटा देते हैं, हमें बी बेस निकालना है, मतलब ओ एन निकालना है, और हमें मालूम क्या है, हाइपोटेनियस मालूम है कि ये कितना है, स्मॉल ए है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, देखो स्टूडेंट, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है कोस थीटा का रिलेशन। अब बेस तो हमें क्या करना है, निकालना है, जो कि क्या है हमारे पास, बेस कितना है, ओ एन है। ओ एन की वैल्यू हमें निकाल कर यहाँ पुट करनी है। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, इस कंप्लीट डाइपोल डिस्टेंस का हाफ, मतलब स्मॉल ए। तो ये हमने स्मॉल ए यहाँ पुट कर दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, ओ एन कैसे निकलेगा, ओ एन क्या निकाल लेंगे, ए कोस थीटा हो जाएगा। तो ओ एन की जगह हम लिख लेंगे ए कोस थीटा। तो यहां ओ एन की वैल्यू हमने पुट कर दी ए कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, एक बार अगर समझ में आ जाए आपको कि करना कैसे है तो बहुत इजी है। हमने क्या किया, ऑलमोस्ट हमने डायग्राम बना लिया था, कुछ स्टेप्स बाकी थी जो इनके थ्रू हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है। हमने क्या किया है सिर्फ कि हमें बीपी एंड एपी डिस्टेंस मालूम नहीं थी, इसको निकालने के लिए हमने बी से बी एन, ओ से ओ एम, ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए। ड्रॉ करते ही ये जो बीपी डिस्टेंस है वो एनपी डिस्टेंस के इक्वल हो गई। एनपी डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ एन, ये हमने लिख लिया है। ओपी डिस्टेंस हमें मालूम है स्मॉल आर, ओ एन मालूम नहीं थी, तो हमने क्या कर लिया कि ये ट्राइंगल हमारे पास था, बी बेस हमें निकालना था, दूसरा हमें हाइपोटेनियस मालूम था, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही कोस थीटा में फॉर्मूला बन गया। देन हमने ओ एन की वैल्यू निकाल ली ए कोस थीटा, और ये यहां पर पुट कर दी। ये हमारे पास देखो इक्वेशन आती है, थर्ड इक्वेशन, इसको हमें किस में पुट करना है, बीपी डिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। उससे पहले हमें क्या निकालना है, एपी डिस्टेंस और निकालना है, और उसका तरीका भी क्या है, सेम तरीका है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ओ एम। तो अब देखो हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, एपी डिस्टेंस पहले देख लेते हैं कि एपी डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है। ये एपी डिस्टेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए एम प्लस एम पी। तो हम लिख लेंगे ए एम प्लस एम पी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, ये जो डिस्टेंस थी ये इससे छोटी थी, इसलिए हमने क्या किया, माइनस किया। लेकिन अब एपी जो डिस्टेंस है वो इस बीच वाले डिस्टेंस से बड़ी है, इसलिए हम इसको डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या आने वाला है हमारा, सेम वही प्रोसेस है, हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल है, बेस दोनों के इक्वल है, तो
तो जैसे यहां पर आर माइनस ए कोस थीटा आया था, सेम हम दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि क्या फॉर्मूला आएगा। यहां पर प्लस है, आर प्लस ए कोस थीटा फॉर्मूला आने वाला है। देखिए कैसे करते हैं। हमने लिख लिया है एपी डिस्टेंस को एएम प्लस एमपी। अब क्या करेंगे, देखो ये जो एमपी डिस्टेंस है वो ओपी डिस्टेंस के इक्वल है, और ये जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है वो क्या है, एएम है। जैसे यहां पर ओ एन जो डिस्टेंस थी उसका हमने ए कोस थीटा निकाला था, सेम यहां पर ये जो है हमारे पास ए एम, उसके लिए क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा आ जाएगा। तो हम लिखते हैं, देखो एपी इक्वल्स टू ए एम, ये जो ए एम है उसको तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। दूसरा एमपी जो डिस्टेंस है, एमपी डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस के इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, ओपी लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ स्मॉल आर पुट कर देना है। क्यों, क्योंकि एपी डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। सेम अब क्या करने वाले हैं, ए एम हमें निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ए एम क्या है, बेस है, हाइपोटेनियस हमें मालूम है स्मॉल ए, तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा में ये फॉर्मूला बन रहा है। बेस हमारा क्या है, ए एम, एंड हाइपोटेनियस स्मॉल एम, तो ए एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, ए कोस थीटा। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू, इसके लिए हमने लिख दिया ए कोस थीटा प्लस स्मॉल आर। तो देखो स्टूडेंट, तरीका सेम है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो जो अब हमने क्या क्या करना है अब हमें, कि वी वन एंड वी टू दोनों फॉर्मूलाज जो हमने पहले निकाले थे उसमें ए पी एंड बी पी की जगह हमें ये दो इक्वेशन पुट करके अब बस सिंपली मैथमेटिकली हमें इसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम यहाँ आने वाली थी, ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से हम ओनली ये जो डिस्टेंस है इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक्स लगानी पड़ेगी कि किस तरह से हम ये डिस्टेंस इसको निकाल सकते हैं, देन सिंपली हम उसको पुट करके फॉर्मूलाज में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, तो देखो नेक्स्ट चलते हैं हम, वी वन डिस्टेंस वी वन इक्वल्स टू के क्यू अपॉन बी पी था, और बी पी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था आर माइनस ए कोस थीटा। वी टू इक्वल्स टू माइनस क्यू चार्ज के लिए था इसलिए हमने माइनस लगाया है, के क्यू अपॉन ए पी डिस्टेंस थी, ए पी डिस्टेंस हमारे पास आई है आर प्लस ए कोस थीटा। तो ये दोनों स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इनको इक्वेशन को प्लस करना है। तो ये क्या निकल जाएगा, ये जो फॉर्मूला है हमें कंप्लीट डाइपोल के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला देगा। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन को करने वाले हैं प्लस। देखो वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है आर माइनस ए कोस थीटा आर प्लस ए कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों ही क्या आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले आर माइनस ए कोस थीटा एंड आर प्लस ए कोस थीटा। अब देखो ये के क्यू है, के क्यू हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, देन क्या बच जाएगा, वन वन बच जाएगा यहाँ पर, एंड ये जो इक्वेशन है वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी आर प्लस ए कोस थीटा। फिर आ रहा है फॉर्मूले में हमारे पास माइनस है, देन हमें ये जो इक्वेशन है वो यहाँ लेकर आनी है, तो जो आर जो था जो प्लस में था वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में था वो हो जाएगा प्लस में, ए कोस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हम डिवाइड में लिख लेते हैं, के क्यू हमारे पास कॉमन आ रहा है। एक चीज और देखते हैं, आर प्लस आर माइनस कैंसिल आउट, हमारे पास ए कोस थीटा, ए कोस थीटा बच रहा है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू ए कोस थीटा। डिवाइड में हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन बच रही है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, हम क्या करते हैं कि जो ओपी डिस्टेंस होती है आर,
उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल ए डिस्टेंस होती है उसको हम नेग्लिजिबल करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? हम क्या लिखेंगे कि जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर ग्रेटर देन है किससे? स्मॉल ए से, तो हम ए को कर देंगे नेग्लिजिबल। दूसरा हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है? क्यू डॉट डी होता है, और डी की जगह हमने डिस्टेंस कितनी ली है? हमने 2a डिस्टेंस ली है, तो एक ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, v इक्वल्स टू यहाँ पर q आ रहा है, ये 2a आ रहा है, तो q डॉट 2a क्या हो गया? p हो गया, तो k लिख लेंगे, देन p लिख लेंगे, देन हमारे पास आ गया कोस थीटा। डिवाइड करेंगे, ए को जब हमने नेग्लिजिबल कर लिया है तो इसके मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट हम इसको जीरो के इक्वल मान के चलते हैं, तो हमारे पास डिवाइड में क्या बच रहा है? ओनली आर स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला आ चुका है। तो हमने क्या किया, देखो हमें एपी एंड बीपी डिस्टेंस में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको, वो मैंने बता दिया है एकदम सिंपल तरीके से कि किस तरह से एपी एंड बीपी डिस्टेंस निकाल कर वी वन एंड वी टू दोनों फॉर्मूले में पुट करके देन हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। सिंपली मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना है, हमने एलसीएम लिया, के क्यू कॉमन लिया, देन हमारे पास क्यू डॉट टू ए का फॉर्मूला हमने पुट किया डाइपोल मोमेंट। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि डाइपोल को लेके जब हम पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उनके फॉर्मूलाज में डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट आएगा। इसके बाद क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम डेरिवेशन एक कर रहे हैं, लेकिन ये दो एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन दोनों के लिए फॉर्मूला देगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे, 180 डिग्री पुट करेंगे और 90 डिग्री पुट करेंगे, देन देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस लाइन के लिए होगा, एक्सियल लाइन के लिए क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होगा। तो चलते हैं कि किस तरह से हम इसको करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1 होती है, प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए होगा। तो वी इक्वल्स टू हम यहां पर क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, देन हमारा फॉर्मूला आता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है हमारा एक्सियल लाइन के लिए, क्योंकि हमने 0 डिग्री पुट किया है, तो यहां लिख देंगे एक्सियल लाइन, ठीक है, और वो भी डायरेक्शन कौन सी होगी, प्लस एक्स डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। सेकंड हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कोस की वैल्यू 180 डिग्री में क्या होती है, -1 होती है। -1 होते ही यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी किसके लिए है, ये भी एक्सियल लाइन के लिए है लेकिन माइनस एक्स डायरेक्शन में। देखो एक्सियल लाइन के लिए हम क्या देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देखते हैं, तो अगर पॉजिटिव हमारा फॉर्मूला आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो प्लस एक्स डायरेक्शन में एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर नेगेटिव में हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है तो वो है तो एक्सियल लाइन के लिए ही, लेकिन वो किसके लिए है, माइनस एक्स डायरेक्शन में है। अब एक और चीज बच गई है हमारे पास, इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर थर्ड कंडीशन हम देख लें कि थीटा हम 90 डिग्री पुट करने वाले हैं, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। साथ ही हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पर दो पॉइंट चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उन पर पोटेंशियल ही नहीं है, तो डिफरेंस क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक कवर किया है, ये हमने पोटेंशियल निकाला है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने डाइपोल लिया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों चार्जेस के कारण हम पोटेंशियल निकाला हमने सबसे पहले, एपी एंड बीपी डिस्टेंस निकाल के उसमें पुट पुट किया हमने, और देन सिंपली मैथमेटिकल हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है।
लास्ट वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, वी इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हम जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पुट करेंगे तो वो एक्सियल लाइन की प्लस एक्स एंड माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। इसी तरह से अगर हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। और इक्वेटोरियल लाइन पर हमें पोटेंशियल कितना मिलता है, 0 मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा। तो आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की पर्पज से भी और आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।